नाजरीन, बदीन से हमारे रिपोर्टर जाफिर मुश्ताक रिपोर्ट कर रहे हैं। बदीन ताजर अलाउंस के रहनुमा अली अकबर मेमन, मोहम्मद नदीम मुगल, मुख्तियार हुसैन जाफरी, हाजी मोहम्मद हनीफ खासकेली, अनीस मेमन, खान साहब अल्लाह बचायो मेमन, मलिक मोहम्मद अलियास, शाहनवाज दरगर, इकबाल अहमद अबलानी और हाजी अब्दुस्तार सुमरों ने बदीन के मसाइल हल करने के लिए MP बदीन हाजी ताज मोहम्मद मलाह से मुलाकात की। मुलाकात में शहरी मसाइल जिनमें CTOPD, पीने के साफ पानी के फिल्टर प्लांट का बंद हो जाना, शहर के अंदर की सड़कों की मरम्मत ना होना, टूटी फूटी नालियों की मरम्मत ना होने, ट्रैफिक के मसाइल और वाटर सप्लाई की मोटरों की मरम्मत ना होने वाले मसाइल पर बातचीत की गई, जिस पर MPA बदीन हाजी ताज मोहम्मद मलाह ने फौरी तौर पर CMO बदीन से राबता करके शहर की टूट जाने वाली नालियों की मरम्मत करने के लिए हिदायत जारी की और बातचीत के लिए आने वाले वफद से कहा कि बदीन के शहरियों ने मिलकर शहर के मसाइल हल करने के लिए काम शुरू किया है, जिसके लिए जहाँ भी मेरी ज़रूरत होगी मैं शहरियों के साथ मौजूद रहूँगा। उन्होंने कहा कि बदीन में पोस्ट ऑफिस कढ़न रोड और कढ़न रोड से कैंट रोड तक गलियों की मरम्मत और खोसकी रोड से कैंट रोड वाया हैदर टाउन से कढ़न रोड और पुराने कैंट रोड के नए सिरे से तमीर के लिए फंड जारी कर दिया गया है, जिसका काम बहुत जल्द शुरू किया दिया जाएगा। इन रोड और गलियों की तमीर से शहर के गरीब आबाद के इलाके में बेहतरी आएगी। MPA बदीन ताज मोहम्मद मलाह ने मजीद कहा कि OPD के मसाइल को हल करने के लिए पुराने सिविल अस्पताल को ग्लोबल नेटवर्क के हवाले करने का फैसला किया गया है, जिस पर आने वाले कुछ दिनों में काम शुरू हो जाएगा और शहरियों को बेहतरीन OPD एमरजेंसी एम्बुलेंस की सहूलियत मुहैया की जाएंगी। उन्होंने कहा कि शहर के बंद हो जाने वाले 13 फिल्टर प्लांट में से 3 फिल्टर प्लांट्स को स्टार्ट कर दिया गया है और बाकी 10 फिल्टर प्लांट को स्टार्ट करने के लिए पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के अमलदारों को हिदायत जारी कर दी गई है, जिन पर अगले हफ्ते से काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि ताज इत्तेहाद शहर के मसाइल के जहाँ जहाँ निशानदही करेंगे वहीं उनका मसाइल हल किया जाएगा और जो भी अफसर शहर के मसाइल को हल करने में रुकावट का बहस बनेगा उन्हें घर रवाना कर दिया जाएगा।